हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 स्टेप फेशियल बेसन से। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप कैसे बेसन से अपने घर पे 3 स्टेप में अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं। एकदम सलून लाइक आपकी स्किन होगी, आपकी स्किन पर चमक होगी, आपकी स्किन एकदम ब्राइट नजर आएगी, सॉफ्ट नजर आएगी, धीरे धीरे आपकी पिगमेंटेशन आपको खत्म होती नजर आएगी, डार्क स्पॉट्स पे काम करेगी, अनइवन स्किन पर काम करेगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं, इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियोस में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अगर आप चाहे तो वीडियो को शेयर कर देना। सो गाइज, सबसे पहले अपने फेस पे अगर आपने मेकअप लगा रखा है तो सबसे पहले आपने वो मेकअप रिमूव करना है और चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करना है, ताकि जो मेकअप है वो फेशियल के स्टेप के साथ आपकी स्किन में अंदर अपना घर ना बना ले और पिंपल्स को बाहर निकालना दे। तो अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना और उसके बाद आपको फॉलो करना है 1st स्टेप, जिसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच बेसन और 2 चम्मच आपको लेना है कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है, आपके घर में दूध को बॉईल कर दिया और उसके बाद आपको याद आया अरे मुझे तो फेशियल करना था, तो वो जो बॉईल दूध है उसे आपको ठंडा करके तब यूज करना है। अब आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, 2 चम्मच कच्चा दूध या फिर बॉईल दूध, जो भी आपके घर पे है। अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स करना, एकदम लिक्विडी फॉर्म में रेडी हो जाएगा। लिक्विडी मतलब जैसा आप वीडियो में चेक कर पा रहे हैं बिल्कुल वैसा होना चाहिए। एकदम पानी नहीं होना चाहिए और एकदम थिक पेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने इसे मिक्स कर लिया, मिक्स करके करीबन 4 से 5 मिनट अपने चेहरे को अच्छे से इससे रब करना है। अपने हाथों पे इसे लो और अच्छे से फेस को इससे क्लीन आपने करना है। जितना अच्छे से आप क्लीन करोगे, ये डेड स्किन को भी रिमूव करता है, स्किन से पिगमेंटेशन पे भी काम करता है, स्किन की ब्लैकनेस पे भी काम करता है, स्किन को एक ब्राइटनेस देता है। ये आप डेली मॉर्निंग में फॉलो करके देखना, 15 दिन आपको इसका वैसे भी रिजल्ट कैसा आएगा ना, मैं क्या ही बताऊं, आप खुद कॉमेंट करके बताना। तो आपने इसे अच्छे से क्लीन कर, आपने इसे अच्छे से फेस पर रब करना है और फेस को क्लीन करना है 4 से 5 मिनट। अब आपका 1st स्टेप खत्म हो गया, चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया। अब या तो एक टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ कर लो या फिर एक गीला टॉवल अपने पास रखो और उसकी हेल्प से इसे क्लीन कर लो, या पानी से ही डायरेक्ट आप वॉश कर लो। बढ़ते हैं हम 2 स्टेप की तरफ, जो है मसाज क्रीम। क्योंकि जितना अच्छे से आप चेहरे को मसाज करोगे ना, उतना ही आपके फेशियल का जो रिजल्ट है वो निखर के आएगा, आपकी स्किन पर उतना ही इसका ज्यादा रिजल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा एक ग्लो नजर आएगी। तो इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे आपको मार्केट का लेना है और साथ में आपको लेना है 1 चम्मच दूध। कच्चा दूध यूज कर रहे हैं वो ले सकते हैं, अगर उबला हुआ दूध यूज कर रहे हैं वो ले सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करना, आपकी मसाज क्रीम रेडी हो गई है। आपने इसे अपनी हथेली पे, अपने हाथों पे लेना है और अच्छे से अपने चेहरे को करीबन 10 मिनट, जी हाँ 10 मिनट अपने चेहरे को इससे मसाज करनी है। जैसे आपको लगे ड्राई हो गए, दोबारा से लो, फिर से इससे मसाज करना स्टार्ट करो। फिर से ड्राई होगा, दोबारा से लो, फिर से इससे मसाज करना स्टेप करो। और मसाज हमेशा अपर डायरेक्शन में करो, लाइक दिस, हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करो। ये वाले पार्ट पे इस तरीके से मसाज करो, यहाँ पे ये वाले पार्ट पे, जिससे आपको जो झुर्रियों की प्रॉब्लम है टाइम से पहले वो भी नहीं आएगी। तो आपने अच्छे से इस तरीके से अपने चेहरे को अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करना है जैसे मैंने बताया 10 से 12 मिनट, और उसके बाद में फिर से आपने अपने चेहरे को या तो टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम 1st स्टेप की तरफ। और अगर आप यहां तक आ गए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अगर आप नए हैं और यहां तक आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम 1st स्टेप की तरफ, जो है हमारा फेस मास्क। जो ये जो आपने प्रोसेस किया है उसे एकदम निखार के बाहर लाएगा, जो ये आपने प्रोसेस किया है उसे एकदम चमका देगा, आपकी स्किन को एकदम ब्राइट कर देगा। तो उसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच आपको लेनी है कॉफी। कॉफी स्किन को ब्राइट भी करती है, स्किन से पिगमेंटेशन को भी लाइट करती है, काले काले दाग धब्बों को दूर करती है, स्किन की जो अनइवननेस होती है उसे भी दूर करती है। आपने लेना है 1 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच कॉफी, और मिक्स करने के लिए आपने फिर से यहाँ पे दूध का यूज करना है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना और मिक्स करके अप्लाई कर लेना करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट इसे अप्लाई करना, और जैसे ही ड्राई हो जाएगा, आपने इसे ड्राई को वॉश नहीं करना है, आपने इसे हल्का सा गीला करना है। तो अपनी हथेली को ऐसे गीला करो और उसके बाद में इसे अच्छे से गीला कर लो और थोड़ा मतलब हल्का हल्का रगड़ो और वॉश कर लो, या फिर अपने हाथों के हल से आप पानी के ऐसे इस पे छपके मारो और उसके बाद थोड़ा सा 2 मिनट रब करो और उसके बाद में वॉश कर लो। आपके फेशियल के 3 स्टेप यहाँ पे खत्म हो गए हैं।
अब अगर आपने ये तीनों स्टेप कर लिए ना, उसके बाद का रिजल्ट आप खुद कमेंट कर देना, क्योंकि आपकी स्किन पर जो ब्राइटनेस होगी, जो सॉफ्टनेस होगी, जो शाइनिंग होगी, वो आप खुद फील कर पाएंगे, मेरे कहने से आपको समझ नहीं आएगा। और मैं आपको बोलूँ ना, यहाँ पर वो फंडा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब आपने पहले इसे फॉलो करना है, उसी के बाद आपको समझ आएगा कि मेरी रेमेडीज कितना ज्यादा काम करती है। अब आपने ये जो प्रोसेस है हर हफ्ते फॉलो करना है, महीने में आपने 3 बार ये जो प्रोसेस है इसे फॉलो करना है, और 2 महीने में ही आपको आपकी जो स्किन है उसकी जो रंगत है, ओए होए क्या ही कहना, आपको खुद समझ आएगा कि हमारी जो स्किन है वो अलग सी एक चमक फील करेगी, और आपको लगेगा कि ये तो घर की चीजों से मैं अपना अच्छे से केयर कर पा रही हूँ। अब आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है और यूज करना है कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर दिन में, अगर ये स्टेप करें, वैसे कोशिश करना कि ये जो प्रोसेस है वो आप नाइट में फॉलो करो, क्योंकि नाइट में फिर जो हमारी स्किन है वो रिलैक्स करती है, जितना वो रिलैक्सेशन मोड में जाती है उतना स्किन अंदर से ब्राइट होकर नजर आती है। तो कोशिश करना रात में करें, लेकिन अगर नहीं टाइम है तो दिन में आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने दिन में फॉलो किया है, आपने लगानी है सनस्क्रीन, आपने लगाना है मॉइस्चराइजर, अच्छे से स्किन को टोन करना है, उसके बाद में अगर आपने रात में ये प्रोसेस किया है तो अच्छे से स्किन को टोन करना, मॉइस्चराइजर लगाना, जो भी नाइट स्किन केयर फॉलो करते हो उसे अच्छे से फॉलो करना। ये जो प्रोसेस है पूरा अच्छे से फॉलो करके देखना इसका कैसा रिजल्ट आएगा, प्लीज कमेंट करना। और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं इंटरेस्टेड ऐसे वीडियोस में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ वीडियो को अगर आप चाहे तो शेयर कर देना। अब मिलेंगे किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।